देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। दिल्ली एनसीआर में पिछले एक महीने से स्मॉग ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। घर से निकलते ही सड़क पर प्रदूषण की मोटी चादर नजर आती है। खुली आंखों से भी हवा में धूल और धुएं के हानिकारक कण साफ नजर आते हैं। आंखें जलने लगती हैं, सांस फूलने लगती है, मगर इस सब के बीच बच्चे स्कूल जाते हैं, हम और आप अपने काम पर भी निकलते हैं। सड़क पर सांस लेने के लिए मास्क लगाना मानो मजबूरी बन गया हो। दिल्ली के पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में किसान लगातार पराली जलाते जा रहे हैं। हवा में धुएं का ऐसा जहर घुल चुका है कि अब तो आंखें भी जलने लगी हैं। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर जनता और सरकार सब चिंतित हैं। इस परेशानी का हल कैसे निकले, बस उसी पर चर्चा हो रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने भी मंगलवार को प्रदूषण से निपटने के लिए पिछले सप्ताह शहर विकास पैनल की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में डीडीए, नगर निगम आयुक्त और जल बोर्ड के सदस्यों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, लेकिन कई अधिकारी इस बैठक में पहुंचे ही नहीं। प्रदूषण को लेकर बुलाई गई इस बैठक से गैर हाजिर रहने वाले अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, उस पर ध्यान देने की बजाय इस मुद्दे पर नेता अपनी अपनी सियासत को चमकाने में जुट गए। पराली जलाने का किसी दल ने समर्थन तो नहीं किया, पर इसका ठीकरा जरूर एक दूसरे पर मरने में जुटे हैं। वो पराली जलाना गलत है, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, पर उससे जुड़े कुछ आर्थिक रियलिटीज हैं जिनके ऊपर सरकार को काम करने की जरूरत है, जिससे कि जो छोटा किसान है, जो मजबूर होता है उन इकोनॉमिक्स की वजह से कि वो अपने खेत में जो स्टबल रह जाता है, जिसे हम पराली कहते हैं, उसे जलाता है, उस चीज को रोकने के लिए उसको इकोनॉमिकली इंसेंटिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगर पराली से किसी को समस्या है तो क्यों ना उस पराली को खरीदने के लिए कोई योजना स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। हम भी हमारे कई साथियों से सहमत हैं, क्योंकि कोई किसान शौक से पराली नहीं जलाता, लेकिन हमारे दिल्ली में पोल्यूशन से बचने के लिए जो ऐड किया गया उसका 200 करोड़ बजट है और मात्र 50 करोड़ में हम एनसीआर की पराली खरीद सकते थे, जो हमारे दिल्ली की सरकार ने नहीं किया। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को लेकर केजरीवाल को कोसने वाली बीजेपी के नेता कितने गंभीर हैं, ये बात आप इन तस्वीरों को देखकर ही समझ जाएंगे। तस्वीरें 11 नवंबर की हैं। ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर इंदौर में पोहे और जलेबी का मजा ले रहे थे। ठीक उसी वक्त दिल्ली में प्रदूषण को लेकर संसद की स्थायी समिति की बैठक हो रही थी, जिसमें 29 में से सिर्फ 4 सांसद ही पहुंचे, बाकी नदारद थे। लेकिन गौतम तो कहते हैं कि दिल्ली में उनकी फैमिली भी रहती है। बैठक में ना आने से क्या होता है, प्रदूषण को लेकर तो यही सबसे ज्यादा गंभीर है। अगर मेरे जलेबी खाने से उनको इतनी प्रॉब्लम है कि मेरे जलेबी खाने से अगर दिल्ली का पोल्यूशन इतना बढ़ा है, तो मैं नहीं जानता कि उनके पास क्या सलूशन है, क्योंकि हम अपने आप को काम बता सकते हैं 5 महीने में। वो अगर आपको यहाँ पर खड़े होकर अपने 5 साल के काम बता दें तो आप कंपेयर कर सकते हैं। जिसके लिए मुझे चुना गया है वो मीटिंग के लिए नहीं, मेरे को चुना गया काम करने के लिए, कि मैं क्या स्टेप्स उठाता हूँ जनता के लिए, क्या स्टेप्स उठाता हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, दिल्ली के लिए, और पोल्यूशन कम करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 साल में सिर्फ 5 साल में सिर्फ मीटिंग करी है, धरने करें, इसके अलावा कुछ नहीं किया। और तीसरी चीज़ हाँ, बहुत बढ़िया करी है, बहुत अच्छे तरीके से करी है अपनी मार्केटिंग और ये जो होर्डिंग लगाए हैं, ठीक है। एक आपने जल फ्री किया दिल्ली की जनता के लिए, उसमें भी आपने जहर घोल दिया। 800 करोड़ का लॉस है दिल्ली जल बोर्ड को, ठीक है। और मेरे 5 साल की बच्ची और 2.5 साल की बच्ची दिल्ली में ही रहती है। अगर मैं दिल्ली के पोल्यूशन के लिए सीरियस नहीं होऊंगा तो कोई और सीरियस नहीं होगा, मैं ही नहीं, पूरी दिल्ली की जनता अपने बच्चों के लिए, सबके लिए सीरियस है, सिर्फ आम आदमी पार्टी को छोड़ के। बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी का तर्क बाकी नेताओं से बिल्कुल जुदा है। वो मानती हैं इस एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने के बजाय हमें मिलजुल कर प्रदूषण की असली वजह का पता लगाना चाहिए। पोल्यूशन इज अ वर्स्ट थिंग हैपनिंग इन दिल्ली स्पेशली, सो इट हैज टू बी रेक्टिफाइड, सो एवरीवन हैव टू वर्क फॉर दैट एंड गेट थिंग्स राइट। सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द रीजंस। देयर आर मेनी रीजंस आई हैव गिवन टू मी बाय मेनी पीपल, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, व्हिच इज ऑल I have to discuss with other people and tell. दिल्ली एनसीआर के लोग पिछले कई साल से प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब लोकसभा के स्पीकर ने भी इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाई है, इसका संज्ञान लिया है और सभी विभागों, मंत्रालयों, अधिकारियों और जनता से भी अपनी जिम्मेदारी समझकर इस समस्या को खत्म करने की अपील की है।